प्रिय विद्यार्थी, हमारी ये कक्षा बीएससी प्रथम वर्ष रसायन शास्त्र अकार्बनिक रसायन की है। हमने अब से पहले लगभग कंप्लीट 2 यूनिट कर लिया है। आज हम तीसरी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तीसरी यूनिट का जो चैप्टर है वो हमारा है आयनिक सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड है। अब हम जानते हैं कि बंद की प्रकृति के आधार पर ही हम पदार्थों को बांट सकते हैं। जिनमें आयनिक बंद पाया जाता है वो आयनिक पदार्थ होते हैं। सहसंयोजक बंद पदार्थ होता है, सहसंयोजक बंद पाया जाए तो सहसंयोजक पदार्थ है। तो आयनिक बंद के अंदर आयनिक पदार्थ होगा तो आयनिक बंद है क्या? नेगेटिव पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट होते हैं। उसी अट्रैक्शन के कारण बनने वाला जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है और जिनमें यह आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वह आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और इस बंध के आधार पर ही आयनिक यौगिकों के गुणों की हम लोग व्याख्या करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय संरचना होती है, भंगुर होते हैं, अधिक मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, ये सभी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो हम ये जानते हैं रेडियस के बारे में, आयनिक बंध की सामर्थ्य तथा आयनिक यौगिकों की संरचना एवं उनके गुण आयनों के आकार से प्रभावित होते हैं। सामान्यतः आयनों को ठोस गोलाकार मानते हैं, अतः आयनिक आकार को आयनिक त्रिज्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आयनिक क्रिस्टलों में किसी प्रकार की आयनिक त्रिज्या उसके नाभिक से वह दूरी मानी जा सकती है जहाँ कोई अन्य आयन उसके निकट आ सकता है। क्लियर बात हो गई है। नाभिक है बिल्कुल सेंटर में और उसके अन्यतम लास्ट में वह दूरी जहाँ पर दूसरा आयन उसके नज़दीक में आ सकता है, अर्थात वहाँ पर नाभिक का अट्रैक्शन पहुँचे, वही उसकी आयनिक त्रिज्या है। अब आयनिक त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात प्रभाव से संख्या, रेडियस रेशियो इफेक्ट, रेडियस रेशियो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, अब रेडियस रेशो की बात हम कर रहे हैं। हमने रेडियस के बारे में बात कर ली कि जैसे कोई ये नाभिक है इसके अंत में यहाँ पर कोई दूसरे एटम इसके जहाँ नज़दीक आना चालू हो जाए तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह इसकी आर है, रेडियस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेडियस रेशो की कि ये रेडियस रेशो क्या है। रेडियस रेशो क्या है? एक ये रेशो है, अनुपात है। किस किस का अनुपात है? एक धनायन की त्रिज्या और एक ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात है। जैसे R R इज इक्वल टू R प्लस अपॉन R माइनस, रेडियस रेशो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन अपॉन रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। यह एक अनुपात है, किसका? धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात ही हमारा आयनिक रेडियस रेशो है, त्रिज्या अनुपात है। त्रिज्या अनुपात के आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर वह होता है जो किसी भी आयन के चारों तरफ जितने नेगेटिवली अपोजिटिवली चार्ज के आयन हैं उनकी संख्या। ये जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेरे पास है, पॉजिटिव आयन एकदम सेंटर में है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये स्ट्रक्चर मेरी यहाँ पर क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर हमने यह देखा कि एक पॉजिटिव आयन 4 नेगेटिव आयनों से घिरा रहता है, घिरा रहता है। ठीक है, घिरा रहने के कारण यह हम कह सकते हैं कि कितने आयनों से? 4 से। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसी प्रकार हम माने कि ये जो माइनस है ये 4 पॉजिटिव से घिरा रहेगा, एक पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा और एक पॉजिटिव ये रहा।
तो इस प्रकार से अपोजिट चार्ज से जो आयन घिरा रहता है जितनी संख्या में वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है 6 है 8 है इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर इनके होते हैं। यदि 4 है तो चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय है और क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बनती है। यदि 8 होते हैं तो किसी यौगिक की वह संरचना सर्वाधिक स्थायी होती है जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्रिस्टल है उसकी वह ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल होगी जिसकी एनर्जी लेस है, जिसकी ऊर्जा कम है वही संरचना ज्यादा स्थायी होगी। अर्थात क्रिस्टल में आयनों के मध्य आकर्षण अधिकतम तथा प्रतिकर्षण कम से कम होना चाहिए। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, अधिकतम आकर्षण के लिए आवश्यक है आयन अधिकाधिक विपरीत आवेशित आयनों को स्पर्श करते हुए गिरे होने चाहिए। आकर्षण तभी ज्यादा होगा जब पॉजिटिव के तरफ चारों ओर नेगेटिव हो और नेगेटिव के चारों तरफ पॉजिटिव हो। यदि कहीं ऐसा हो कि नेगेटिव के आसपास में कोई नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव के आसपास में कोई पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का हल्का सा भी प्रतिकर्षण हो गया, तो प्रतिकर्षण होते ही ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ते ही उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वही स्थायी ज्यादा संरचना होगी। तो जहां तक संभव हो आकर्षण ही रहे, प्रतिकर्षण ना रहे। समान आवेश वाले आयन इस प्रकार से अरेंज होने चाहिए कि उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल सबसे कम हो। ऋण आयनों का आकार बड़ा होता है, अतः वे इस प्रकार से अरेंज होने चाहिए कि वे कम से कम आयतन घेर रहे हों। स्थायी संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात प्रभाव तथा कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंध दो प्रकार की व्यवस्था पर हम मानते हैं। नंबर 1 अरेंजमेंट, धनायन का आकार स्थिर रखते हुए ऋण आयन के आकार में वृद्धि करो, अर्थात घटते हुए त्रिज्या अनुपात का आयनों की व्यवस्था पर प्रभाव इस प्रकार से है। देखिए इसको समझते हैं क्या कहता है, मैं इसको बता दूं। ये पॉजिटिव है, इसके चारों तरफ ये नेगेटिव है, ये स्ट्रक्चर है। अब मैं नेगेटिव की साइज और बढ़ा दूं, और बढ़ा दूं, ये अलग अलग है। नेगेटिव की साइज बढ़ी हुई है, स्ट्रक्चर एक जैसी है लेकिन साइज ऑफ नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव पार्ट है, इनकी साइज बढ़ी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा स्थान तो यहां ले रहा है, ये उससे कम स्थान ले रहा है, ये सबसे कम स्थान ले रहा है। तो इसके आधार में हम ये कह रहे हैं कि धनायन का आकार स्थिर रखते हुए ऋणायन के आकार में वृद्धि करें, अर्थात घटते हुए त्रिज्या अनुपात का आयनों की व्यवस्था पर प्रभाव ये होता है। हम किसकी बढ़ा रहे हैं? ऋणायन की बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, RR = R+/R-R। इस आर माइनस की हम बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, आर आर क्या होगा, ये कम होगा। जब हम इसकी साइज बढ़ा रहे हैं तो ये आर आर त्रिज्या अनुपात कम होगा, जैसे इसमें आर आर ज्यादा है, इसमें उससे कम है, ये उसमें कम है। तो जो रेशियो है, तो ए है उसके अंदर ज्यादा है, बी कम है, सी सबसे कम है, ये क्या है, आर आर। अब आगे हमारे पास ऋणायन का आकार स्थिर रखते हुए धनायन के आकार में वृद्धि करें, अर्थात बढ़ते हुए त्रिज्या अनुपात का आयनों पर प्रभाव क्या होता है। अब ऋणायन का आकार कांस्टेंट रखें, ऋणायन का आकार कांस्टेंट रखें, ये रहा ऋणायन का आकार कांस्टेंट, कांस्टेंट है। धनायन का आकार बढ़ा रहे हैं हम,
त्रिकोण छोटा सा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऋणांक का आकार तो इक्वल है। और बड़ा हो गया, ऋणांक का आकार इक्वल है। ए बी और सी। अब त्रिज्या अनुपात में क्या होगा? अब हमें ये पता है कि किसकी वैल्यू बढ़ रही है, धनायन का आकार बढ़ रहा है, धनायन का आकार बढ़ रहा है मतलब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो आधार की वैल्यू बढ़ेगी, तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इसका जो सी है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, बी उससे कम हो जाएगा, ए सबसे कम हो जाएगा। उक्त दोनों स्थितियों के बीच बी की व्यवस्था ऐसी है जिसमें सभी आयन परस्पर सटे हुए हैं। बी, अब इसको मैं इस प्रकार से बढ़ाऊं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बी को इस प्रकार से बढ़ाऊं, ये एक जैसे ही है लेकिन ये बड़ा है। ये बी एक ऐसा है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो आयन जो है वो एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, जिसमें सभी आयन परस्पर सटे हुए हैं और इनके मध्य स्थान भी कम से कम है। इस प्रकार के स्थायी संरचना के लिए आयन अपनी समन्वय संख्या निर्धारित करते हैं और सी में धनायन की समन्वय संख्या घटने के साथ संरचना प्राप्त होगी। सी में धनायन की समन्वय संख्या बढ़ने पर स्थायी व्यवस्था प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रत्येक समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात की एक ऐसी न्यूनतम सीमा है जिससे कम से कम समन्वय संख्या वाली संरचना अधिक स्थायी हो जाती है। अब हम त्रिज्या अनुपात की गणना करेंगे, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करके देखिएगा, समझिएगा, हल्की सी गणित है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ट्राइंगुलर अर्थात त्रिभुज जो होते हैं ट्राइगोनल उनके कुछ फॉर्मूलेस लग सकते हैं इसमें। तो यह कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, सबसे पहले हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की। सबसे पहले हम बात करेंगे समन्वय संख्या चार के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल या हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, इसके लिए हम लोग रेडियस रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। एक हमारे पास छोटा सा डायग्राम मैं आपको बनाऊं, ये पॉजिटिव, ये चार अन्य नेगेटिव आयनों से घिरा रहता है, ये टेट्राहेड्रल है, एक धनायन अपने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है, चार विपरीत आवेशित आयन है, किसी घन के एक कोने ए, अब मैं एक घन बनाता हूं, देखिए
ये एक क्यूब है, एक घन है, यह कोई ओ नाम का पॉइंट है जिसको हमने पॉजिटिव कहा है। इसके चारों तरफ ये नेगेटिव चार्ज के आयन अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक घन है ए बी ये सी और ये डी। अब सी और डी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं ए और बी, ये डी इस सी से भी जुड़ा हुआ है, ये ए और बी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, बी और सी इस प्रकार से जुड़े हैं। और ये ए और सी बी से जुड़े हैं। अब बी ए बी सी डी, ए बी सी डी ये ई, ये एफ, ये जी, और ये कोई यहां पर लंब डाला गया था जिसको हमने नाम दिया था पी। किसी घन के एक कोने ए तथा इस कोने पर मिलने वाले तीनों फलकों के विकर्णीय कोण बी सी और डी। अब इसके ऊपर किस किस से मिल रहे हैं, ये ए है, बी वाला इसे मिल रहा है, सी वाला इसे मिल रहा है, डी वाला इसे मिल रहा है। ए से ये ए कोण के ऊपर ये तीनों मिल रहे हैं बी सी और डी। ए के ऊपर कौन कौन मिल रहा है, बी सी और डी। बी यहां से मिल रहा है, सी ये मिल रहा है और डी ये मिल रहा है। इन पर यदि चार निर्णय रखे जाए, इसके ऊपर चार निर्णय रख दो, इस पर रख दो और एक इस पर रख दो, इन पर यदि चार निर्णय रख दिए जाए तो इनके केंद्र एक चतुष्फलक का निर्माण करते हैं। इस टेट्राहेड्रल के केंद्र को और सभी निर्णयों को स्पर्श करता हुआ एक धनायन रखा जाता है। ये धनायन रख दिया हमने यहाँ पर, जिसको हमने ओ कह दिया। इस चित्र में आयन इस प्रकार से हैं कि उनके किनारे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं। धनायन के केंद्र बिंदु ओ से एडी पर लंब ओपी डालते हैं, ये ओपी लंब डाल दिया परपेंडिकुलर, तो समकोण त्रिभुज ओपीए में, समकोण त्रिभुज ओपीए, ओ पी और ए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये वाला, समकोण त्रिभुज ओपीए में क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, समीकरण नंबर एक।
ये ओ पी ए की बात कर रहे हैं हम, ओ पी और ए ये वाला। तो ये ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसके अंदर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर एक, उपरोक्त चतुष्फलक के एक घन के विपरीत कोणों को मिलाकर बनाया गया है, तो हम इसमें क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या चीज किस किस के बराबर है। डी एफ बराबर, डी एफ बराबर ए ई बराबर है डी ई, डी एफ ये डी है और ये एफ है। डी एफ किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, ए और ई के बराबर है, और ये किसके बराबर है, डी ई के बराबर है ये। तो त्रिभुज ए डी ई में ए ए डी और ई ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई में ए डी ई क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी स्क्वायर बराबर ए ई है वो डी ई के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, डी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर दो डी ई स्क्वायर हो गया, समीकरण नंबर दो डी ई स्क्वायर हो गया। तो ये ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू डी ई, समीकरण नंबर दो। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जानते हैं डी ई बराबर डी एफ, डी ई बराबर डी एफ, डी ई बराबर डी एफ बराबर टू ओ पी, बराबर टू ओ पी। डी ई और डी एफ ये दोनों बराबर है, इसके बराबर ये जो परपेंडिकुलर ये दो बार लेते हैं तो टू ओ पी होता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं ए डी बराबर, देखो डी ई बराबर ये आ गया टू ओ पी, तो ए डी बराबर टू डी ई था, तो डी बराबर टू ओ पी है, तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा टू ए पी। इसलिए ए डी बराबर टू ए पी हो गया, ए डी ये है यहां पे, तो इसके बराबर टू ए पी हम लेते हैं, टू ए पी बराबर रूट में टू ये डी ई है। तो अब इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, टू रूट टू ओ पी, क्योंकि ये डी ई प्लस डी एफ बराबर ओ पी भी है, तो टू ओ पी है, तो ये रूट आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा टू रूट टू ओ पी। तो ए पी बराबर दो से दो कम उसका कट जाएगा, ये आ जाएगा रूट टू ए पी, नहीं ये तो ओपी है, तो ओपी बराबर क्या जाएगा, ओपी बराबर आ जाएगा वन अपॉन रूट टू ए पी। ये समीकरण नंबर हो गया तीन, एक तो ये समीकरण है हमारे पास, एक हमारे पास ये समीकरण है, एक हमारे पास ये समीकरण है, तीन समीकरण हमारे पास आ गए। अब ओपी का मान समीकरण एक में रखते हैं, ये ओपी है, ये ओपी है, ओपी की वैल्यू समीकरण एक में कहाँ रखें, यहाँ रखते हैं ओपी स्क्वायर में, ये वैल्यू रखते हैं। तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ओपी पुट इन इक्वेशन नंबर वन,
इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री से ओपी की वैल्यू यहां रखते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर, अब यहां पर ओपी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, वन अपॉन रूट टू, तो ये लीजिए वन अपॉन रूट टू ए पी, ए पी ये स्क्वायर तो है स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ओ ए स्क्वायर बराबर, ये रूट से रूट कट जाएगा तो एक बटे दो आ जाएगा इसका, एक बटे दो ए पी का तो स्क्वायर रहेगा क्योंकि दोनों के स्क्वायर करने पड़ेंगे खोलेंगे तो, प्लस ए पी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर थ्री बाई टू ए पी स्क्वायर, थ्री बाई टू दोनों को जोड़ देंगे हम तो आधा ये है और एक ये है तो ये डेड हो गया और तीन बटे दो ए पी स्क्वायर हो गया, तो ओ ए बराबर है तो ओ ए बराबर कितना होगा, इसको रूट में कर देंगे हम, रूट में कर देंगे तो ए पी स्क्वायर का रूट हट जाएगा और रूट आ जाएगा तीन बटे दो पे और ये ए पी हो जाएगा, तो ओ ए बराबर हमारे पास क्या है आर प्लस प्लस आर माइनस, तो ए पी क्या है, ए पी हमारे पास है आर माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया आर प्लस माइनस आर माइनस इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, ये आर आएगा ना आर बराबर, तो ये आर माइनस, तो आर प्लस माइनस आर माइनस, तो क्या आ जाएगा इसको इधर लेके आ जाएंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.225 आर माइनस, ये आर, तो अब आर प्लस बराबर देखेंगे, आर प्लस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.225 आर माइनस माइनस आर माइनस, ये आर माइनस, तो आर प्लस बराबर आर माइनस 1.225 माइनस वन, तो आर प्लस बराबर आर माइनस 0.225, तो आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल टू 0.225, तो ये हमारे पास आ गया टेट्राहाइड्रल के लिए आर आर का जो रेशियो था वो आ गया आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल टू 0.225 टेट्राहाइड्रल के लिए। तो टेट्राहाइड्रल के लिए न्यूनतम इसके जो त्रिज्या की वैल्यू है वो 0.225 रहती है। इसी प्रकार यदि हम ऑक्टाहाइड्रल के लिए बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल में एक पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयनों से घिरा रहता है, तो इसके अंदर भी इसी प्रकार के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डेरिवेशन हम करें उसके आधार पर हमारे को टेट्राहाइड्रल के बाद ऑक्टाहाइड्रल में जो आर आर का रेशियो है, ये तो टेट्राहाइड्रल के लिए, और ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम बात करेंगे तो जो आर आर का रेशियो है आर प्लस अपॉन आर माइनस कितना है, ये 0.414, ये है ऑक्टाहाइड्रल के लिए, ये है टेट्राहाइड्रल के लिए, ये है ऑक्टाहाइड्रल के लिए। और यदि आठ की यथा त्रिज्या अनुपात सी एन आठ हो तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, और क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो वैल्यू है वो है
और क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसके लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, इसके लिए 0.732। ये अलग अलग है, ये याद रखने वाली बातें हैं। टेट्राहेड्रल के लिए 0.225, ऑक्टाहेड्रल के लिए 414, और क्यूबिक जिसकी 7 से ज़्यादा 8 है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके लिए हम क्या पढ़ा है 0.732। तो जैसे जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें वो बढ़ रहा है, जो रेशियो है नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी विपरीत आवेशताएं बढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेडियस रेशियो भी बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास आज एक रेडियस रेशियो से रिलेटेड कुछ बातें थी वो हमने करी, और आप लोग भी बराबर इसको समझिएगा उतारिएगा। थैंक यू सो मच।